हमारी एसओटी पुलिस ने दो एसओटी टू डीसीपी मुरलीधर साहब के अगुवाई में दो बड़े सीजर किए हैं। दोनों इंटरस्टेट गैंग हैं। एक गैंग जो गांजा की सप्लाई उड़ीसा से लोकल और महाराष्ट्र राजस्थान इन सबको करता था, उसका जो एक आदमी मेन पकड़ा गया है उसका नाम है सुभाष विश्नोई, वो राजस्थान का रहने वाला है और बहुत ही होशियारी से, बहुत ही चालाकी से ये लोग, चेकिंग चल रही है इसलिए एक लॉरी को पूरे का पूरा एक फैब्रिकेशन करा के एक कंसील्ड कंपार्टमेंट बना के तकरीबन 710 किलोग्राम गांजा उड़ीसा से लोकल और महाराष्ट्र के लिए ट्रांसपोर्ट कर रहे थे। उस वक्त इंफॉर्मेशन पे तकरीबन एक हफ्ते 10 दिन, एक महीने से इसकी इंफॉर्मेशन थी इस आदमी की। एक ट्रिप इससे पहले भी ये 500 किलोग्राम की लगा चुका है, तब हमारी पकड़ में नहीं आया। तब जब तक सूचना मिली तब तक गाड़ी काफी आगे निकल चुकी थी। तो उस पर नजर रखने के बाद में जब ये कल ओशापुर चेक पोस्ट पे इसको पकड़ा गया तो हमारी टीम को इस बार वो गांजा तलाशने में काफी वक्त लगा, क्योंकि बहुत ही चालाकी से इन लोगों ने कंसील कर रखा था, एक कंप्लीट फैब्रिकेटेड केबिन बना रखा था। तो उसको पकड़ा गया है और उसमें जो भी सोर्स है उसका नाम भी हमारे पास है, जिससे जिन्होंने सप्लाई किया है पैसा लेके और जिसके लिए ये जा रहा था और लोकल डिस्ट्रीब्यूटर, उन सब लोगों का भी हमारे पास में जानकारी है। उनको जल्दी से जल्दी अरेस्ट किया जाएगा और आने वाले समय में भी गांजे का लोकल डिस्ट्रीब्यूशन हो, ड्रग पेडलिंग हो या बल्क सप्लाई हो, इन तीनों पे हमारी नजर बनी रहेगी, खासतौर से इलेक्शंस को ध्यान में रखते हुए, और इस पे कार्रवाई तेज कर दी गई। ಏನು ಇದೆ ಈಗ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿ